दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल एशिया टेलीकॉम। तो जैसा कि मैं बता दूं, ये हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बैच है जो कि हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है। सॉफ्टवेयर भी जो बेसिस होते हैं, एक बेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब सॉफ्टवेयर भी करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। चलिए, सॉफ्टवेयर शुरू होने से पहले मैंने कुछ बोला था। क्या बोला था? किसकी किसकी बज रही है, किसकी नहीं बज रही है? चलिए, मीडिया टेक की फ्लैशिंग कर लेंगे, वेलकम की फ्लैशिंग, एम आई, सैमसंग, आईफोन, स्पेक्ट्रम। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी सभी लोग तो बोल रहे हैं यस सर। अब इनसे देखते हैं, पूछते हैं, हम एक एक करके पूछेंगे कि इन्होंने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इनसे पूछेंगे कि क्या इन्होंने सॉफ्टवेयर में सीखा है, और हर एक का रिव्यू कि सॉफ्टवेयर कैसे होता है, क्या फाइल होती है, क्या टूल होता है, सारा चीज हम अपने स्टूडेंट से पूछेंगे एक एक करके कि ये क्या क्या जानते हैं, कौन सी फाइल लेनी चाहिए, किस मोड में फ्लैश होता है। हमने एक सॉफ्टवेयर को बहुत ही ईजी तरीके से कर दिया है, उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है कि पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप क्या होता है। सारे मैंने सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप में कर दिया है ना। इजी हो गया कि नहीं हुआ है? कितने लोग सॉफ्टवेयर कर लेंगे अब? तो सेम मेथड है, आप बता दो मैनुअली ड्राइवर हम कैसे देते हैं? सर, पहले हमें डिवाइस मैनेजर की सेटिंग में जाना होगा, ठीक। उसके बाद में हमें एक्शन पर क्लिक करने के बाद में उस पर एक ऑप्शन आएगा, एड लेजेसी हार्डवेयर, वेरी गुड। तो उस पर क्लिक करने के बाद में एक पेज खुलेगा जिसमें ऑप्शन आएगा नेक्स्ट करने का। तो नेक्स्ट करने के बाद में मुझे दो ऑप्शन पूछेगा कि आप मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली, वेरी गुड। तो मुझे मैनुअली पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट बढ़ना होगा, उस पर एक ऑप्शन आएगा हैव अ डिस्क का। तो हैव अ डिस्क के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद में मुझे वो लोकेशन पूछेगा कि आपके ड्राइवर पड़ा कहाँ हुआ है। तो मुझे उस ड्राइवर की लोकेशन पर जाकर के उन फाइलों को सिलेक्ट करने के बाद में मुझे नेक्स्ट करके अप्लाई करके इंस्टॉल कर देना होगा, वेरी गुड। अब छोटा सा सवाल कि आपको कैसा फील हो रहा है सॉफ्टवेयर में? सर, बता नहीं सकते क्योंकि इतना जो सोचा नहीं था उससे बहुत ज्यादा मुझे यहाँ मिला है सर। चलिए ठीक, आप भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। चलिए आप खड़े हो जाइए। अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार से होते हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? सीपीयू वाइज और फाइल वाइज, वेरी गुड। अब आप ये बताइए, सॉफ्टवेयर में कितने काम आते हैं? सॉफ्टवेयर में दो काम आते हैं सर। कौन कौन से? एक तो फ्लैशिंग और एक फाइलिंग। केवल हमारा सॉफ्टवेयर में कितने कॉन्सेप्ट है? एक हमारा फ्लैशिंग और दूसरा हमारा, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि हम ये पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि पीसीबी में सीपीयू कौन सा लगा है। मतलब हमारा कोई भी स्मार्टफोन आएगा, जैसा कि इन्होंने पहले बताया कि सॉफ्टवेयर दो तरीकों से होता है, सॉफ्टवेयर या तो सीपीयू या तो फाइल। तो सबसे पहले हमें फोन का क्या जानना है? जैसा कि आपने बताया, तो अब आप ये बताइए कि सीपीयू हम कितने प्रकार से जान सकते हैं? पांच प्रकार से जान सकते हैं सर। हाँ, पहला है गूगल पे टाइप करेंगे मॉडल नंबर सीपीयू टाइप, वेरी गुड। दूसरा है जीएसएम अरेना सीपीयू टाइप, वेरी गुड। तीसरा है पोर्ट बना के, पोर्ट पर। एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूँ, पोर्ट हमारा कब बनाएगा? जब ड्राइवर होगा, जब हमारे पीसी में क्या हो गया, ठीक है। तीसरा, तीसरा फाइल और टूल से, वेरी गुड। उसके फाइल से पहचान सकते हैं और उसके टूल से पहचान सकते हैं कि उसमें सीपीयू कौन सा है। चलो, पांचवा तरीका तो चलो पता है, वो ठीक है, वो कहाँ पता चलेगा। चलिए ठीक है, अब मैं स्टेप टू पूछता हूँ। स्टेप टू बताइए आप। ड्राइवर जान लो सर। ड्राइवर, तो मीडिया टेक में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? वीकॉम प्रीलोडर, वेरी गुड। वीकॉम प्रीलोडर, और उसमें कितने ड्राइवर चलाने होते हैं, और मैनुअली चलाने होते हैं कि इंस्टॉलर चलाने होते हैं? मैनुअली भी चला सकते हैं, इंस्टॉलर भी चला सकता है, पर हमारा मेन क्या है? हमारा मैनुअली, वेरी गुड। कौन कौन से दो ड्राइवर? एक है 65 MT-65 और MT-67, वेरी गुड। अब हमारा तीसरा स्टेप होता है, चलिए तो तीसरा स्टेप बताइए आप। फाइल, तो मीडिया टेक में कौन सी फाइल आती है? स्कैटर फाइल आती है, वेरी गुड। अब हम चौथे स्टेप पे चलते हैं, और टूल के द्वारा कर सकते हैं। मीडिया टेक में चौथा स्टेप होता है टूल, मतलब हमने सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप में बांट दिया, किसमें कर दिया है, जो कि इजी हो गया है कि नहीं हो गया है। चलो, तो ये बताओ कि मीडिया टेक में कौन सा टूल यूज होता है? एसपी फ्लैश टूल। तो एसपी फ्लैश टूल के कितने वर्जन है? दो वर्जन है, कौन, वेरी गुड। अब हमारा पांचवा होता है, पांचवा हम आपसे पूछेंगे कि मीडिया टेक में पांचवा स्टेप क्या है?
फ्लैश मोड, तो मीडियाटेक कौन से मोड में फ्लैश होता है? वैल्यूम अप, वैल्यूम डाउन, मतलब मोड। पहले तो आप ये बता दो कि मीडियाटेक कौन से मोड में फ्लैश होता है? फ्लैश मोड। तो फ्लैश मोड क्या क्या हो सकता है? वैल्यूम अप, वैल्यूम डाउन, और या तो दोनों या तो कुछ भी नहीं। चलिए वेरी गुड, ठीक है। हमारी नेक्स्ट दिन की फिर क्लास हुई थी। अब सेकंड दिन की क्लास हमारी क्या हुई थी आप बताइए? क्वालकॉम की, क्वालकॉम की क्लास हुई थी। तो क्वालकॉम की क्लास, तो क्वालकॉम में सबसे पहले हमें स्टेप क्या जानना होता है? तो सीपीयू जानना होता है। सीपीयू जानना होता है, पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सीपीयू जानना। तो सीपीयू जानने के कितने तरीके आप बताओ? पांच तरीके होते हैं। पांच तरीके हैं, जो कि इन्होंने पहले बता चुका है कि कितने तरीके होते हैं सीपीयू में। अब सेकंड आप बताओ, सेकंड स्टेप क्या होता है? ड्राइवर। तो क्वालकॉम में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? क्यूडी लोडर 9008। वेरी गुड। तीसरा स्टेप आप बताओ? तीसरा स्टेप फाइल होता है। फाइल, तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? चलिए ठीक है। अब चौथा हमारा कौन सा स्टेप होता है आप बताओ? टूल। टूल, तो क्वालकॉम में कौन से टूल यूज होते हैं? क्यूफिल या क्यूपेस्ट। वेरी गुड, क्यूफिल या तो क्यूपेस्ट। अब हम आपसे पूछता है पांचवा स्टेप क्या होता है हमारा? मोड। तो क्वालकॉम किस मोड में फ्लैश होता है? ईडीएल मोड। वेरी गुड। अब हम ये पूछना चाहते हैं ईडीएल कितने प्रकार से हम ला सकते हैं? तीन प्रकार से ला सकते हैं सर। कौन कौन से? पहला होता है वॉल्यूम अप डाउन एंड शट का वॉल, और दूसरा तीसरा तीसरा होता है ईडीएल सिक के द्वारा। वेरी गुड। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ क्वालकॉम में, तो क्वालकॉम में आप खड़े हो जाओ, क्वालकॉम में कितने फाइलें आती हैं? सर क्वालकॉम में दो फाइलें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? सर एक लोडर फाइल और एक एक्सएमएल। एक लोडर होती है और एक एक्सएमएल। लोडर फाइल क्या होती है? फायर ऑफ डॉटम। वेरी गुड। और हमारी एक्सएमएल फाइल क्या होती है? पैच और रो फाइल, एक्सएमएल फाइल। वेरी गुड, ठीक है। हमारी नेक्स्ट दिन की क्लास हुई थी, तो हमारी अगले दिन की क्लास क्या हुई थी आप बताओ? एमआई की क्लास हुई थी। तो एमआई में सीपीयू जानने के लिए सबसे पहले क्या है, मतलब एमआई में कौन कौन से सीपीयू आ सकते हैं? एमआई में दो सीपीयू आ सकते हैं। कौन कौन से? क्वालकॉम और मीडियाटेक। मतलब उसमें सीपीयू क्वालकॉम भी आ सकता है और मीडियाटेक, पर ज्यादातर अभी तक क्वालकॉम आता है। कौन सा आता है? क्वालकॉम। और मीडियाटेक भी अब नए वाले फोन में आने वाले। तो चलो सेकंड स्टेप आप बताओ। ड्राइवर जानना। ड्राइवर, तो एमआई में ड्राइवर आप बता दो। ड्राइवर अकॉर्डिंग टू सीपीयू लोड करेंगे, मतलब अगर क्वालकॉम हुआ तो क्वालकॉम में ड्राइवर चले हुए हैं, और मीडियाटेक हुआ तो मीडियाटेक। वेरी गुड। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है? तीसरा स्टेप फाइल होती है। फाइल, तो क्वालकॉम एमआई में कौन सी फाइल आती है? टीडीजेड। डॉट टीडीजेड, और वो एक क्या है, कौन सी फाइल है? इमेज फाइल। वेरी गुड। चौथा स्टेप आप बताओ। एमआई में कौन सा टूल यूज होता है? एमआई फ्लैश टूल। वेरी गुड। पांचवा स्टेप आप बताओ। बूटिंग करना होता है। तो एमआई किस मोड में फ्लैश होता है? ईडीएल मोड में। ईडीएल मोड, और एमआई केवल और केवल केवल और केवल एमआई कैसे होता है? चलिए ठीक है। चलिए, तो फिर हमारी नेक्स्ट दिन की क्लास हुई थी, तो अब आप खड़े हो जाओ। अब हमारी नेक्स्ट दिन की क्लास क्या हुई थी? सैमसंग। तो अब ये बताइए, सैमसंग में सीपीयू तो अगर कीपैड हुआ तो कौन सा सीपीयू आएगा? एसपीडी। और अगर स्मार्टफोन हुआ तो? जाइनोक्स। वेरी गुड। तो अब हम दूसरा स्टेप उसकी बात करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या जानना होता है? अब हमारा दूसरा स्टेप आप बताओ। सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। सैमसंग मतलब उसके ड्राइवर्स। तो दूसरा स्टेप होता है हमारा ड्राइवर। तो सैमसंग में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। वेरी गुड। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट पूछते हैं आपसे, खड़े हो जाइए। फाइल सर। फाइल, तो सैमसंग में तीसरा स्टेप होता है, मतलब फ्लैशिंग का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? तो फ्लैशिंग का तीसरा कॉन्सेप्ट होता है फाइल। तो सैमसंग में कौन सी फाइल आती है? .tr.md। वेरी गुड। अब हमारा उससे चौथा स्टेप होता है, चौथा स्टेप आप बताओ। टूल होता है सर। टूल, तो सैमसंग में कौन सा टूल यूज होते हैं? ओडिन टूल यूज होता है। ठीक है, कहां से क्या डाउनलोड करना है सबको पता है? सबको पता है कि नहीं कहां से क्या डाउनलोड करना है? चलिए ठीक है। अब हमारा उससे पांचवा कॉन्सेप्ट होता है मोड। तो सैमसंग में कौन से मोड में फ्लैश होता है? डाउनलोड मोड में। डाउनलोड मोड में। वेरी गुड। अब एक चीज पूछते हैं, सैमसंग की थोड़ी फारपी अलग हो जाती है, क्या सैमसंग को फ्लैश कर देते हैं नॉर्मल फ्लैश फाइल से फारपी चली जाती है क्या? नहीं जाती है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, सैमसंग के फारपी कितने मोड से हटा सकते हैं? दो मोड से हटा सकते हैं। कौन कौन से? एक पहला है तो डाउनलोड मोड से, और दूसरा है वो एडीबी मोड से। एडीबी मोड से। तो डाउनलोड मोड तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, क्या हमारा एडीबी नॉर्मल तरीके से ऑन होगा क्या? चलिए आप बताओ उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सर हमें एडीबी फाइल कॉम्बिनेशन उसमें चढ़ाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन फाइल पूरा का पूरा क्या करना होगा? कॉम्बिनेशन फाइल क्या होती है?
एडीबी फाइल होती है जब कॉम्बिनेशन एक पूरा का पूरा क्या होता है फाइल होती है वो कॉम्बिनेशन पूरा एक फाइल होती है पूरा का पूरा एक रोम होता है जिसे हम फ्लैश कर देते हैं तो हमारा एडीबी क्या हो जाता है ठीक है तो उससे हम अपना एडीबी इनेबल करके किसी भी एडीबी टूल से हम एफआरपी उसकी क्या हटा सकते हैं फिर उसको हम फ्लैश कर देंगे फ्लैश फाइल से। अब उसके बाद उसकी एफआरपी जाती है नहीं जाती है वो कहां आना पड़ेगा। चलिए ठीक है ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट दिन की क्लास हुई थी तो अब नेक्स्ट दिन की क्या क्लास हुई थी आप बताओ। एसपीडी की क्लास हुई थी तो अब सबसे पहले कोई भी फोन आएगा तो ये तो नहीं बताएगा कि हमारी एसपीडी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सीपीयू जानना तो सीपीयू जानने कितने तरीके हैं पांच तरीके वेरी गुड। तो वो तरीके तो हमने रिवाइंड करा भी दिए फिर से एक बार हम रिवाइंड किसी स्टूडेंट से और भी करा देंगे ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है सेकेंड स्टेप आप बताओ। सेकेंड स्टेप होता है ड्राइवर तो आप ये बताओ स्पीडी में एसपीआरडी में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं। एससीआई ड्राइवर होते हैं तो उसे मैनुअली चलाना होता है कि इंस्टॉलर मैनुअली चलाता है। हम इंस्टॉलर चला सकते हो बट आपको मैनुअली क्या करना है। चलिए तो मैनुअली चलाने के लिए आप ये बताओ कि हमें मैनुअली ड्राइवर को स्पेक्ट्रम और मीडियाटेक में चलाना होता है तो सेम मेथड है आप बता दो मैनुअली ड्राइवर हम कैसे देते हैं। सर पहले हमें डिवाइस मैनेजर की सेटिंग में जाना होगा ठीक। उसके बाद में हमें एक्शन पर क्लिक करने के बाद में उस पर एक ऑप्शन आएगा एड लेजेसी हार्डवेयर वेरी गुड। तो उस पर क्लिक करने के बाद में एक पेज खुलेगा जिसमें ऑप्शन आएगा नेक्स्ट करने का। तो नेक्स्ट करने के बाद में मुझे दो ऑप्शंस पूछेगा कि आप मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली। वेरी गुड। तो मुझे मैनुअली पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पढ़ना होगा उस पर एक ऑप्शन आएगा हैव अ डिस्क का। तो हैव अ डिस्क के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद में मुझे वो लोकेशन पूछेगा कि आपके ड्राइवर पड़ा कहाँ हुआ है जी। तो मुझे उस ड्राइवर की लोकेशन पर जाकर के उन फाइलों को सिलेक्ट करने के बाद में मुझे नेक्स्ट करके अप्लाई करके इंस्टॉल कर देना होगा। वेरी गुड। अब छोटा सा सवाल कि आपको कैसा फील हो रहा है सॉफ्टवेयर में। सर बता नहीं सकते क्योंकि इतना जो सोचा नहीं था उससे बहुत ज्यादा मुझे यहाँ मिला है सर। चलिए ठीक। तीसरा स्टेप क्या होता है एसपीडी में फाइल। तो एसपीडी में स्पेक्ट्रम में कौन सी फाइल आती है। चलिए पैक फाइल होती है ठीक है। चौथा स्टेप पूछना चाहते हैं तो आप खड़े हो जाओ। चौथा स्टेप क्या होता है टूल। तो हमारे स्पेक्ट्रम में कौन से टूल यूज होते हैं। तीन टूल होते हैं एक तो अपग्रेड टूल ठीक है आप एक बता दो अपग्रेड टूल ठीक है। आपको ये पता है ना कि अपग्रेड रिसर्च में क्या डिफिनेशन है क्या अंतर है। चलिए ठीक है और जानना है तो ठीक है। और आप बताइए दो टूल के बारे में। सर एक बताया रिसर्च टूल एक बताया फैक्ट्री डाउनलोड। ठीक है रिसर्च और अपग्रेडेड जो आपने बताया है इसमें आपको फर्क पड़ता है ना कि क्या क्या कर सकते हैं हम। किसी भी फोन का आप डाटा बचा सकते कि नहीं बचा सकते। किसी भी फोन का डाटा बचा सकते कि नहीं बचा सकते। चलिए ठीक है। अब हमारा चौथा कंसेप्ट हो गया। पांचवा आप बताओ मोड। तो हमारा स्पेक्ट्रम किस मोड में होता है। फ्लैशिंग मोड। तो फ्लैशिंग मोड क्या क्या हो सकता है। तीन प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से। डाउन दोनों या डायरेक्ट। वेरी गुड ठीक है। अब उसके हमारी नेक्स्ट क्लास क्या हुई थी आप बताओ। आईफोन की क्लास हुई थी तो आईफोन की फाइल कितने सोर्सेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दो सोर्सेस कौन कौन से हैं। एक तो गूगल से IPSW। वेरी गुड। टूल से तो टूल कौन कौन से मतलब किस किस टूल से कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूँ सेकेंड आईफोन में कितने टूल यूज होते हैं। दो टूल यूज होते हैं सर। कौन कौन से। रिव्यू टूल और iTunes। आप उससे फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं सर। वेरी गुड। प्रॉपर फाइल मिलेगी सर। वेरी गुड। अब आपसे पूछना चाहते हैं आईफोन किस मोड में फ्लैश होता है। iTunes या DFO। DFO मोड या तो iTunes। कैसे लाते हैं थोड़ा बता सकते हैं आप। सर या तो होम बटन दबाएंगे। होम बटन दबा के केबल लगा देंगे। वेरी गुड। होम बटन दबा के केबल। और आपको सैमसंग में सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे कैसे डाउनलोड मोड लाते हैं। सबको एक ही दो तरीके पता है पर आपको चार तीन सब तरीके पता है। पता है कि नहीं पता है। पता है कि नहीं पता है। चलिए तो ये हमारा पूरा सीपीयू वाइज की क्लास थी। अब छोटे छोटे एरर्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे आप एफआरपी हटाते हो मीडियाटेक की एफआरपी आपने हटाई तो एफआरपी हटाने के बाद एक डीएल एरर आ जाता है। तो डीएल एरर को आप कैसे फाइंड आउट करोगे मतलब डीएल एरर कैसे आता है। डीएल एरर किसी भी टूल से करने के बाद और डीएल एरर आ जाता है क्या करने के बाद। एफआरपी हटाने के मतलब आपका कहना है कि आप किसी भी एनी टूल से एफआरपी हटा रहे हो तो उसमें जब एफआरपी तो डीएल एरर आ जाता हट जाती है पर उसमें क्या आ जाता है डीएल एरर। तो डीएल एरर कैसे हटा सकते हो। मिरेकल बॉक्स से हटा सकते हैं। मिरेकल बॉक्स से हटा सकते हैं ठीक है। मिरेकल बॉक्स में जाकर के डीएल का ऑप्शन है आप वहां से हटा सकते हैं। चलिए तो आप ये बता दो कि अगर आपके पास एक फोन आया
अगर एक फोन आया तो वो आपको क्या जानना होता है सबसे पहले? सबसे पहले सीपीयू जानना होता है सर। क्योंकि उसमें फोन में आपको लिखा रहेगा कि कौन सी सीपीयू है। नहीं लिखा रहेगा। तो सबसे पहले उसका क्या जानना होता है? सीपीयू जानना होता है सर। गूगल में हम जाएंगे। कितने तरीके होते हैं? पांच तरीके, चार तरीके होते हैं सर। हाँ बता दो। पहला है गूगल में जाएंगे, मॉडल नंबर सीपीयू टाइप करेंगे, वहां से पता चलेगा। फिर जीएसएम अरीना में जाएंगे, वहां पे टाइप करेंगे, वहां से पता चल जाएगा। फिर तीसरा रहेगा पोर्ट बना के, केबल लगा के पोर्ट बनाएंगे, वहां से पता चलेगा। और चौथा है फाइल वाइज और टूल वाइज पता कर सकते हैं। और पांचवे के लिए आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना होगा। वेरी गुड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके कैसा फील हो रहा है? आपने सॉफ्टवेयर कैसा लग रहा है आपको? सर एशिया टेलीकॉम करके मेरे को बहुत सा ज्वाइन हो रहा है सर। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज बिल्कुल जीरो थी सर जी। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे को ए टू जेड काफी हद तक नॉलेज मिल गई है सर। मतलब चुटकी में पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। चलिए चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका सॉफ्टवेयर का कैसा अनुभव रहा? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा। मतलब आप सॉफ्टवेयर कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, तो चलिए मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपसे सॉफ्टवेयर शुरू होने से पहले एक चीज मैंने बोली थी, अब वो दिल से बताइए, सबकी बज रही कि नहीं बज रही है? आपको ऐसी सी ट्रिक दी गई है, गीत दी गई है, शॉर्ट चुटकी वाली दी गई कि नहीं दी गई है? चलिए तो आप दिल से कुछ तो बोलना चाहेंगे। चलिए ठीक है, घर तक आवाज नहीं जा रही है, अब घर तक आवाज जानी चाहिए जब आप बोल ही रहे हैं। तो इंडिया का नंबर वन स्ट्रीट कौन है? इंडिया का नंबर वन स्ट्रीट कौन है? साथ में है 28 दिसंबर का बैच। और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए? पांच दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि पांच दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है? किस किस ने हाथ उठा के बताइए? यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने? ठीक है, अच्छा हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया? बिल्कुल भी, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। पांच बार किया सर। फिर अरे वकार खान ने भी दो बार किया है, वेरी गुड। सात बार, वेरी गुड। दो बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। छह बार किया आपने। वेरी गुड। इसमें से दो बार। तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल। दो बार कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है। सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, आदि चेहरे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार किया तुमने? तीन बार सर। तीन बार? दो बार। नंबर बोलते रहो। दो बार। नंबर बोलते रहो बस। चौदह बार। क्या बात कर रहे हो इतना? दो बार किया। ये फेक तो नहीं बन रहा है? बताओ। तीन बार ऑन मोबाइल में? बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए जिनको रिबॉलिंग आती है। सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है। यहाँ पर पांच दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ पांच दिन की, पांच दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ पांच दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया? आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। पांच बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने छह बार। सर पांच बार, सात बार, दो बार। बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। चार बार। दो बार। छह बार। पांच बार। पांच बार। तीन बार। दो बार। दो बार।
तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार, तो चार बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस। तो अब बताइए पहले के में और अब के में क्या अंतर है? बहुत फर्क है सर। जैसे कि हम जो बात करते हैं एडजस्ट, जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के, यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ के आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, ये सब सारी चीजें आपको यहीं आके सीखनी है। आज भी बहुत सारे टेक्नीशियन ये काम कर रहे हैं उसके बाद भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं होते कंपोनेंट्स की जानकारी, फिर भी बहुत वो सिर्फ कर लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक अंदाजा अंदाजा वेरी गुड अंदाजा से कर नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ कोई जादू करने नहीं बैठे हो। सही है, आप रिपेयरिंग करने बैठे, आपको एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट वोल्टेज, सब चीज की जानकारी होनी। बिल्कुल सेटिस्फाई है यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा? अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे, तो हमारी इन चीज में क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया? सर आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शुरू सब अलग शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब ऐसे टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी किए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि ऐसे टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए ऐसे टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़ा पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूफाई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको एमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना। हाँ सर, तो मेरा तो यूफाई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा, सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब से देखकर कितना सीख सकते हो सर? यूट्यूब से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके में आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एशिया टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, सो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एशिया टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? पहनी है। पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया था, थोड़ा शॉर्टिंग बना रहे थे, क्या होता है तो मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पर पावर ऐसे निकाले क्वालिटी नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आएगा नहीं, हाँ पकड़ के सिखाने का तरीका, मतलब दोनों पावर सही बात है। इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? हाँ भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है।
मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो। नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो फेसबुक भी आया था जो करके बना था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेंगे। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा आया तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया, तो फिर चलता हूँ चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आई को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल मुझे खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ कि मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं
और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पे आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.